एक महीने तक कीजिए मुफ्त में सैर, एक महीने तक लोगों से नहीं वसूला जाएगा शुल्क। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को दी सौगात, जंगल सफारी की तर्ज पर जू सफारी का उठाएंगे लुत्फ। हालात साजगार होने के सरकार के दावों पर उठ रहे सवाल, विधानसभा चुनावों में नानुकर पर विफरी आम आदमी पार्टी, निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन कर सुनाई खूब खरी कोठी। और भाजपा के राज में 8 सालों में भी नहीं बन पाया पुल, कठुआ की जुतना पंचायत के लोगों का भड़का गुस्सा, पुल का आधा अधूरा काम को रहा जानलेवा साबित, सरकार को दी 15 दिनों की मोहलत, हाईवे करेंगे जाम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जम्मू जू की अपडेट दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दी गई बड़ी सौगात को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नगरोटा में आज जम्बू जू का उद्घाटन करने के बाद उपराज्यपाल ने अगले एक महीने तक लोगों से इस जू की सैर करने के लिए कोई भी शुल्क न वसूले जाने की बात कह दी है। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि चूंकि बच्चों में इस जू को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है, लिहाजा लोगों से अगले एक महीने तक यहां आने की और साथ ही साथ आप देखिए आने के जिलाए कोई शुल्क नहीं यहां पर वसूला जाएगा, यानी कि अगर लोग यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, कोई टिकट नहीं लगेगी, फ्री में आप इस जू का नजारा ले सकते हैं। हालांकि एक महीने के बाद लोगों को प्रशासन द्वारा तयशुदा शुल्क अदा करना पड़ेगा और प्रशासन ने इससे पहले इस जू में इसके उद्घाटन से पहले 1 हफ्ते तक शुल्क न वसूलने का फैसला किया था, जिसे अब बदल दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि जम्बू जू के पहले चरण का काम पूरा हो गया है, जिसमें गुजरात के शेर, नंदन कानन, जूलॉजिकल पार्क, ओडिशा के बाघ और लखनऊ जू से घड़ियाल भी लाए गए हैं। तो जू का सबसे बड़ा आकर्षण जंगल सफारी की तर्ज पर जू की सफारी होगा। कानून को अपना काम करने दीजिए, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई, जम्बू जू आज शुरू हो गया और मुझे लगता है कि जम्मू के पर्यटन को इसके कारण नया पंख लगेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमारे पर्यावरण का बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर, हमको मोर के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, मोरों के बच्चे भी हमें यहाँ पे, अभी यहाँ पे मोरों ने अपने पंख फैलाए थे, वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है और वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है इस जू को ओपन करके, और बैटरी कार्स के थ्रू हम यहाँ तक आए और इन बहुत सारे सुंदर परिंदों का नज़ारा लिया। अच्छी बात है, फ्री रखी हुई है, जो लोग नहीं आ पाते हैं, मतलब जो नहीं उठा पाते हैं, मतलब पैसे वगैरह नहीं कर पाते चार्ज, उनके लिए भी उन्होंने गवर्नर जी ने ये स्टेप लिया है कि मुफ्त में इसका नज़ारे का फ़ायदा ले सके। फर्स्ट टाइम गवर्नर जी ने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, आज फर्स्ट डे है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ही इन्वायरमेंट है, हमारे जम्मू को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। इससे पता चल रहा है कि मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पे आकर भिन्न भिन्न तरह के जानवरों को देखेंगे, उन चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे। और मेन चीज़ ये है कि एक न्यू इनिशिएटिव है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग अच्छे मतलब सिंपल जो फीस है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अच्छे से ये चीज़ को देख सकते हैं, अच्छे से इस चीज़ में मतलब घूम फिर कर इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के हालात साजगार होने के केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे दावों को सरासर झूठ करार दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उससे सवाल कर दिया कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात पहले से कहीं बेहतर हैं तो फिर यहां विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे और बार बार क्यों टाले जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनावों की मांग को लेकर जम्मू के निर्वाचन भवन के बाहर यहां आम आदमी पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल कुंडल ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव न होने से जम्मू कश्मीर का हर तबका परेशान है और यहां भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंच चुका है। तो सरकार के सभी दावे मात्र जुमले साबित हुए हैं और आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को लेकर लोगों के घर घर तक ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
तरफ से हमारे होम मिनिस्टर जी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं, जम्मू कश्मीर में माहौल बड़ा अच्छा है, G20 का सम्मेलन करवाया ताकि जहां पे सैलानी आए, अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर MLA को डिले या डिनाई क्यों किया जा रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं। आज हमारा जम्मू का डोगरा परेशान है, जम्मू का किसान परेशान है, जम्मू के जो बाहर से लोग आकर जहाँ पर भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है जहाँ पर प्री मेच्योर गवर्नमेंट डिजॉल्व हो जाती है, प्री मेच्योरली 6 महीने अंदर वहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल करनी होती है, लोकतांत्रिक जो ढांचा वो तैयार करना होता है ताकि लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों के लिए सरकार जो है वो दी जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि अब जम्मू का डोगरा समझ गया है कि हमारे साथ सरासर जो धोखा हुआ है, इनके जो मैनुफैक्चर थे वो जुमले साबित हुए हैं, और इस प्रचार को हम गली गली ले जाएंगे, घर घर ले जाएंगे, ब्लॉक बाय ले जाएंगे, तहसील बाय ले जाएंगे, और हम ये कहेंगे कि डेलिब्रेटली जम्मू के लोगों को अपनी लोकतंत्रीय सरकार से महरूम रखा जा रहा है जिसको आम आदमी पार्टी कभी सह नहीं करेगी। तो कठुआ जिले की जुथाना पंचायत के उज दरिया पर बनाए जा रहे पुल का काम आज 8 साल बीतने पर भी पूरा नहीं हो पाया है। ये निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था और आधा अधूरा ये पुल सरकार के विकास के दावों की भी पोल खोल रहा है। उज दरिया को पार करने के लिए लोग इस आधे अधूरे पुल का सहारा लेकर किस कदर अपनी कीमती जाने जोखिम में डालकर आप देखिए इस पुल को पार करते हैं, काफी तरीके से ये लोग मजबूर हो रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुल जो है वो बनाया गया है, लेकिन आज भी काम आधा अधूरा है और आधे अधूरे इस काम को लेकर कई तरह से सवालिया निशान उठ रहे हैं। इन लोगों ने अब 15 दिनों की मोहलत प्रशासन को दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर यहाँ पर काम नहीं किया गया तो ये लोग जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद करेंगे, जाम करेंगे और उसके बाद उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से महिलाएं बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकले हैं और लगातार प्रशासन के खिलाफ लामबंद हुए हैं। असें चाहिदा यह पुल का जोड़ा काम 2015 काम लगा हा जुथाना उज गुरु जरा उज का पुल बने दा अज तक इदा कंप्लीट नहीं होया। मैं नहीं समझता ये PWD ने काम किया जा JKPC वाले या कमीशन साहब ने रोके दा, जिसने भी रोके दा उसके बरखिलाफ असें जाइए नैशनल हाईवे रोड बंद करके। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर अंदर ये इस पुल का काम नहीं किया तो असें एकड़ा काम करना उसे राजवाज जाइए पूरे बच्चे लेइए उधर असें उसी बंद करके नैशनल हाईवे बंद करना। वोट असें पूरे BJP की देने चाहे कहना MP दे इलेक्शन आते चाहे विधानसभा आते चाहे लोकसभा आते पूरा BJP का साथ देंगे असें अजें भी देंगे। लेकिन असें चाहते हैं कि ये पुल 15 दिन के अंदर अंदर अगर काम नहीं लगा तो असें बिल्कुल राजबाग जाइए नैशनल हाईवे बंद करना अगे पाने जाइए जा फिर जल्द बरसाती बड़ा बड़ा फलाडा आता दरिया फलाडा आता असें बड़ी मुश्किल होंगी है। इधर देखो कुसै का दिल घट है, कुसै दिले की प्रॉब्लम है, कुसै किसी की है, इस ये पुल भी क्रॉस नहीं होंगे है। 2015 च यह काम लग्या हा, 2022 पुजी आया, 7-8 साल हो गया ये पुल तैयार नहीं होया है। बाकी ये सारे पुल तैयार हो गए, एक जथाने वाला पुल है जोड़ा ये रहा है, यही करते ये साड़ा पुल है जोड़ा ये तैयार हो गया, बस सारी समस्या पूरी हो गई। साढ़े बच्चे स्कूल जान कोई बीमार हों, अस देखो बड़े सारे आधी राती जा कुछ साढ़े इधर गड्डी नहीं आई सकती है, कुछ भी अस कियां कोई पेशेंट कियां अस्पताल तक पजाने, आधे हारे लोगों की जिहड़ी जिंदगी इत्थे मुकी जांदी। सारे पुल बनी जांदे कन्ने साढ़ा पुल नहीं बनिया ते असीं कोई बीमार शमार होइंदा कियां पजाना अस्पताल, नहीं पुजदा नहीं पुजदा ते असें जी रस्ता होना चाहिदा होर असें कुछ नहीं चाहिदा। बच्चे निक्के निक्के स्कूल जिंदे ने कियां भेजने न बगैर रस्ते बने जिंदे न, ये दरिया भरा होंदा दरिया कियां बच्चे टपाने न, अस स्याने बंदे बीमार होइने आ अस केह आखदे असीं कियां पजाना पार नहीं पुजने साढ़ा नहीं चलोंदा, असं सोटू बना के चलने जब एक कुदरले सोटू भी हत्था छुड़की पौंदा ते कियां जाना स्याने बंदे आ ना मुश्किल साढ़े वास्ते ते केह फायदा गवर्नमेंट दा जे असीं अज तक पुल नहीं साढ़ा बनिया ते पुल नहीं दित्ता असीं कदों दा काम लग्गा दा ते अज तक पुल नहीं किन्ने पुल बने साढ़े पुल ते जिसलै वोट लैने होन ते सारे आई जंदे मिकी बी देओ 17 साल पुल नहीं बनिया मोदी दे बारे पुल लग्गा बनन मगर इह वी इन्हें वापस करी दित्ता इह वी नहीं बनाया इन्हें। जिला रियासी के ही कौड़ी में जारी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान वहां पास ही में स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत में दरारें आने से स्कूल प्रशासन दहशत में आ गया है और दहशत के माहौल में बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के डर साफ तौर उनके चेहरों पर देखने को मिल रहे हैं, तो स्कूल में आई हुई दरारों की जानकारी पुल का निर्माण करवा रही कंपनी के अलावा रेलवे के अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन किसी ने भी इस इमारत की सुधार नहीं किया है, इस इमारत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, सुध नहीं ली है। तो पहल आप देखिए किस तरह से नहीं की गई, इस इमारत की छत और दीवारों में आई हुई दरारें कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर सामने रख सकती हैं, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग भर भराकर गिर सकती है तो काफी तरीके से परेशानी भी हो सकती है। तो इस तरह से गौर फरमाना बहुत जरूरी है। आलम यह है कि मौसम खराब होने पर स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है और तेज हवाओं के चलने पर भी बच्चों को अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती, तो ऐसे में आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि स्कूल की इमारत को किस तरह से दरारें आ चुकी हैं और अभी तक प्रशासन और विभाग की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इस बिल्डिंग को अनसेफ नहीं घोषित किया गया है, और अगर कोई हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। ये डैमेज हुई है सर, ये इनकी वजह से डैमेज हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दो बार दी है बिल्डिंग और आई है और बनी है, पीछे से जो इन्होंने मकिंग की हुई है, आगे कटिंग की हुई है पोगलेन लगाकर, उसकी वजह से ऊपर से पत्थर आते हैं और पत्थर आने की वजह से डैमेज हुई है, और हमारे बच्चे हैं जो मौत के मुंह में रहते हैं सर। इधर कभी बारिश आती है या तूफान आता है तो बिल्कुल बच्चों को बाहर निकाला जाता है और बिल्कुल हमारे बच्चे मौत के मुंह में हैं, बिल्कुल बिल्डिंग क्रैक है जे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ हमारे जो भी उच्च अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जहाँ हमारे गवर्नमेंट से मैं प्रार्थना करता हूँ, और इन रेलवे के जो चीफ हैं, जो बड़े बड़े जहाँ बैठे हुए हैं, इनसे कम से कम, इन्होंने अपना गेस्ट हाउस इतना बड़ा बना लिया, कम से कम स्कूल को अगर हमने बोला उस टाइम ये डैमेज नहीं था स्कूल, तो हम गए इनके अधिकारियों के पास, इनको हमने बताया, इन्होंने बोला प्रोटेक्शन बार के देंगे आपको और ये ठीक करके देंगे, लेकिन अभी तक ऐसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। और अभी जब से इन्होंने पीछे थोड़ी कटिंग की है, पीछे नाली शाली पानी ओपन रखा है इन्होंने बिल्कुल, तो थोड़ी सी भी हवा जहाँ स्लाइड बारिश होती है तो स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, तो जैसे स्लाइडिंग शुरू होती है आपने तो देखा होगा पिछली दीवार तो पूरी हिल गई है, लेंटर तक हिल गया है, तो जैसे ही थोड़ी बारिश होती है तो बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे अंदर बैठेंगे तो छत भी गिर सकती है। इसके लिए ये जिम्मेवार कंपनी वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पीछे पूरा इलाका हिला के रखा है, क्योंकि पहले तो सब कुछ ठीक था, बाहर देख लीजिए रास्ते आने जाने के लिए बच्चों के नहीं बचे हैं, जहाँ से पानी पीने वाला जो अपना नेचुरल वाटर था वो उसके सोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, क्योंकि हमारे जो सीओ मैम हैं वो आके मौके पे मौका देखें और यहाँ देखें कि बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इसको दोबारा से स्कूल को डिसमेंटलिंग करके नई बिल्डिंग बनाई जाए, और ये बिल्डिंग कंपनी वाले 25% इन्होंने गांव के काम करने होते हैं, 2% भी काम नहीं हुए हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं कि आंधी तूफान चलता है तो बच्चे कहाँ जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर, जहाँ के बच्चों को भाग करके बाहर जाना पड़ता है कि कब बिल्डिंग गिर जाएगी। इस आंधी तूफान जब बादल गरजते हैं तो ऐसे लगता है कि जी बिल्डिंग बाहर आ गई। इसलिए हमारी सरकार से सीओ मैम जो एजुकेशन के हैं उनसे के मौके पर आए, मौके पर आके इसका मुलाजा करें कि सच है या झूठ है। इसके बाद और लोग बैठे हैं, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ आएं और यहाँ आकर के इस बिल्डिंग का मुलाजा करें, सच है या झूठ है, और जिसकी भी गलती हो बना के दें। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि रेलवे ने इस बिल्डिंग को डैमेज किया और रेलवे ही इस बिल्डिंग को बना के दे। धन्यवाद। आरिसपुरा के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण शहीद लेफ्टिनेंट आदित्य बाल यहां गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम पर कर दिया गया है। ये नामकरण आज पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधान श्यामलाल चौधरी की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी आरिसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी और SDM रामलाल शर्मा के अलावा शहीद के ही अभिभावक भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री शहीद लेफ्टिनेंट आदित्य बाल को यहां श्रद्धांजलि देते हुए कहे रहे हैं कि किस तरह से वो यहां पर अपना काम सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक शहीद का नाम रहेगा। वहीं शहीद के पिता ने युवतियों को भी सेना या एयरफोर्स में भर्ती होकर देश की सेवा करने का आह्वान किया। आपको बताते चलें कि 28 जुलाई 2022 को राजस्थान में यहां MiG-21 ट्रेनर विमान हादसे में आदित्य बाल शहीद हो गए थे। जी पीछे हो जाओ, थोड़ी एक साइड हो जाओ, पीछे
ये बात भी अपने आप को फख्र महसूस कर रहा है कि उनका बेटा हम सब के बीच से गया नहीं, वो देश के काम आया है, उसका जीवन देश को उसने दिया है, वो आज भी हम के बीच है, आगे भी रहेगा और जब तक दुनिया रहेगी उस तक उसका नाम जहां रहेगा। कैंडी स्कूल में वो पढ़ेंगी और आदित्य बाल वो नौजवान वो बच्चा जिसने अपनी जान देश के नाम दी, शहीदी प्राप्त की। आज मैं अपनी म्यूनसिपलिटी एरिया में इस स्कूल को जो आदित्य बाल के नाम से रखा है, उस स्कूल के नाम से आदित्य बाल को छत छत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उसके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे शहीद को जन्म दिया। लड़कियों की एंट्री दे दी है, एफकैट की एंट्री दे दी है, आप लोग भी स्कूल से जो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं देश की भक्ति के लिए निकले, राष्ट्र भक्ति के लिए निकले, बाकी काम तो सब चलते हैं लेकिन देश के लिए हजारों लोगों की जान बचाते हुए अपने आप को कुर्बान करना कोई कोई कर सकता। जिला सांबा के परमंडल इलाके में चोरों ने ना तो कानून का यहां पर आप देखिए खौफ दिखाया है और ना ही पुलिस का, यानी कि चोरों के अंदर ना कानून का डर है ना पुलिस का डर है। तो आए दिन चोर इस इलाके में पुलिस की नाक तले चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। बीती देर रात भी चोरों ने गांवों में आप देखिए किस तरह से सेंधमारी कर दी है। गांव बड़ा उत्तर बहनी जो कमीला और गुड़ा सलाथिया में एक साथ चोरी की 6 वारदातों को अंजाम देते हुए गहने नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से चोरों की धरपकड़ पर यहां चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग कर दी। और सब तो पहले में पुलिस प्रशासन लगे और बाकी अदारियां आगे ये अर्ज करना चाहता कि एक राती बिच 8 चोरियां होनी कोई मामूली गल नहीं है। तो इस करके असं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन अगे कि मेहरबानी करके ग्रां दा पिंड दा असा लोगों का कोई ख्याल रखना चाहिए पुलिस वालों, तो पुलिस को भी जी सुविधा घट है वह भी मिलनी चाहिए, कोई सीसी कैमरा नहीं कोई कुछ नहीं, तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए साढ़े असी लोगों का। अभी गरीब लोग हाँ दिहाड़ियाँ लाते से हाँ वह भी नहीं मिलता अजकल कुछ, उपरों बेरोज़गारी का इन्ना बुरा हाल है, भुख लंग पैगी आपे ही भुख मर रहे हैं, तो साढ़े को जो थोड़ा पूंजी पाती ही तो वह भी गई, असं हम किस तरह गुजर बसर करा। चाहते हो अस ये चाहते हैं जनाब कि एक तो तहकीकात होनी चाहिए, तो दूआ नंबर जोड़ा ये निंडर हो गए बहुत ज्यादा, एक राती 8-8 चोरिया 10-10 चोरिया चोरों को कोई लगाम दी जाए। मेरा नाम प्रेम सिंह है तो मैं कमीला ग्रां का रौने वाला, तो साढ़े ग्रां अज राती 2 दुकाना जड़िया ने वो समझो उनके शटर जड़े ने तोड़ी दिते गए ने, तो एक दे अंदर तो कुछ है नहीं है हा वो तो चलो बचा ही आ, तो दूई की दुकान के अंदर ये साढ़े गुड़े का आई है ये बेटी दुकान करती है, तो इंदा तकरीबन कोई 10,000 रुपये का नुकसान हो जाए। हार की शक्ल से इन्हें बनाए होंगे हार नोटे वाले, वो जरा नोटे वाले हार ने तकरीबन वो सारे ले गए, तो बाकी शटर भी टुटी आ। तो गल ये कि अस ये महसूस करा कि जो गरीब आदमी जरा छोटा मोटा कारोबार जरा अस चलाने इसी चलाइए गए अपने बच्चे का पेट पालन पोषण करना, तो इं अगर होंदा रहोग तो शायद ये साढ़े वास्ते बड़ी मुश्किल है। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन के साथ जारी उनकी बैठकों का दौर जल्द ही उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। इन डेली वेजर्स द्वारा की जा रही मांगे फिलहाल अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और जम्मू में आज फिर प्रदर्शन करते हुए सरकार से उन्हें नियमित करने और 72 महीनों के बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर बात कह दी गई।
आपने देखा कि ये लोग 11 महीने से बैठे हैं, ये जैन लोग हैं, अपने हक सच मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने हर एक अधिकारी से कहा कि हम फैसला करवाने घर से निकले, बगैर पॉलिसी हम घर जाने वाले नहीं है। देश पहले है, लेकिन देश के साथ साथ ये हम लोग जो देश के प्रति अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विस है हमारी, कोविड हो या कोई और बिताए सरकार पे या देश में, हम छाती तान के सामने खड़े होते हैं। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे फेवर में एसआरओ 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करे और 72 में जो पेंडिंग है उसको रिलीज करे। तो वर्कर जमीन अधिग्रहण के विरोध में यहां अरनिया के सीमावर्ती गांव के लोगों ने आज अरनिया तहसील कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि पहले भी उनकी कई कनाल जमीन तारबंदी की भेंट चढ़ चुकी है और एक बार फिर से डिफेंस रोड के नाम पर उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर रोड का निर्माण करना है तो उसे जीरो लाइन पर किया जाए ताकि उनकी जमीनें बच सके और इन लोगों का आरोप यह भी था कि तारबंदी के अधीन आई हुई जमीनों का भी उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिला है। बोलना नहीं बोलता कोई, जला बंडा देना बोला कोई नहीं। पंचायत आला नायब सरपंच लवली अज सवेरे काकू दे कोठे च फैंसिंग दे कन्ने तारबंदी दे कन्ने फ्लैग लगाए गए ने लोकें जमीन च, ठीक है। वो फ्लैग जिहड़े आ उंदा मिनिमम जिहड़ी लेंथ है वो रखी है उन्हें 150 फुट, ताकि थोड़े दिन पहले साढ़े 2 IC ते CO साहब पिंडी दौरा हा, उन्हें सारे बार्डर दे सरपंच पंच मौजिज बंदे बुलाए दे, उन्हें आखिया कि असें इयै उंदे अगे रखिया कि जिहड़ा रोड बना दा सर पूरा जीरो लाइन पर जाना चाहिदा, लोकें दा नुकसान नहीं होए, साढ़े लोकें दी जमीन नहीं जाए। कई लोग ते ऐसे ने जिंदी अगे अगे फेंसिंग दे पारे जमीन है, ठीक है नी, ते कुछ लोग ऐसे ने जिंदी पूरी पूरी जमीन 135 फुट रोड जिहड़ा आवा दा उहदे विच खत्म होई जाणी आ। ना इन्हें पहला मुआवजा थोड़ा 99 च जदों तार लगी सी उस टाइम भी नहीं कोई मुआवजा नहीं लभे दा, उहदे बाद हुण जिहड़ा इह रोड अज फ्लैग लाए ने, ठीक है नी, उहदे च इन्हें कुहा की परमिशन नहीं है, ना तहसीलदार की, ना SDM साहब की, ना DC साहब की, ना के पुलिस की कुहाई भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपनी मर्जी BSF ने उसे झंडे लाई जड़े ने। हमारे गांव में BSF की तरफ से फ्लैग लगाए गए थे हमारी जमीनों में जो 135 फुट के ये बता रहे हैं, पर वहाँ 155 फुट के पीछे ये फ्लैग लगा रहे हैं क्योंकि हमने जगह वो नापी हुई है बिल्कुल। हमने जब इन्होंने फ्लैग लगाए थे हमने उनको मेजरमेंट किया था, वो पीछे ज्यादा 135 फुट बता के 155 पे लगा रहे हैं सर। पर CO साहब से भी मीटिंग हुई थी, वहाँ SHO सर भी बैठे थे, उन्होंने बोला था कि आपका सोल्यूशन निकालेंगे हम, DC मैडम से टाइम लेंगे, वो आपके साथ बात करेंगी। सर अभी तक ना तो DC मैडम आई है तो ना कोई और इनके इस बात के कहने के बावजूद भी इन्होंने फ्लैग लगाना शुरू कर दिए, पर सर ये फ्लैग नहीं लगेंगे क्योंकि हमारी जो पहले जमीन आई है 99 की वो भी हमें कुछ नहीं मिला हुआ, जब तक हमारी पहली जमीन का सोल्यूशन नहीं निकलता आगे वाली जमीन हम इनको कब्जा नहीं करने देंगे। शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने आज गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर आप देखिए किस तरह से उधमपुर में दौरा किया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर ये उधमपुर में दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान के तहत वहां बनाई गई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा स्कूल का स्टाफ भी वहां मौजूद रहा और ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि इस लाइब्रेरी के शुरू होने से स्कूल की छात्राओं को लाभ मिलेगा और उनकी शिक्षा जो है वो और बेहतर ढंग से संवर पाएगी। गर्ल्स हाई स्कूल उधमपुर में समग्र शिक्षा के तहत बने हुए एडिशनल जो है हमारे क्राफ्ट्स रूम, लाइब्रेरी रूम और लैब का इनॉग्रेशन किया गया। ये बिल्डिंग 34 लाख की कॉस्ट से बनाई गई। कितना बेनिफिट इससे विद्यार्थियों को जहाँ जो है उनको बच्चों को इससे क्लियर है कि बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ये आज का जो
यहाँ पर ये इनाग्रेशन हुआ है, ये तीन कमरों का, ये तीन कमरे नहीं है, ये बेसिक बैकबोन है स्टूडेंट्स की, क्योंकि लाइब्रेरी आपकी, ये लैब और आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम, ये एक बेसिक बैकबोन है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी स्कूल की बच्चों की तरक्की के लिए। ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है इसको प्रोग्राम के अंडर ही इसको 34.14 लाख की लागत से बनवाया गया है। और समग्र जो शिक्षा अभियान का इसका मुद्दा ही यही है, प्री स्कूल से लेकर 12th तक जितने स्कूल हैं उनमें बच्चों की इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट हो, नए नए मीन्स हों। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।